फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, केवल एक लौंग खाने से होंगी ये 10 बीमारियाँ दूर, जानिए कैसे। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। आजकल महंगाई के साथ साथ बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। हर बीमारी के लिए महंगी से महंगी एलोपैथिक दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। पुराने समय में एलोपैथिक दवाइयों को कुछ खास महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय में डॉक्टर्स कम और हकीम ज्यादा होते थे। दुनिया में जितने भी हकीम हैं, वह सब एलोपैथिक दवाइयों की जगह आयुर्वेद पर भरोसा करते थे। आयुर्वेद दवाइयाँ खाने से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही आयुर्वेदिक वस्तु की बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की हिम्मत रखता है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं लौंग के बारे में। वैसे तो लौंग एक तरह का मसाला है, लेकिन आयुर्वेद में इस मसाले का उपयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। लौंग को आयुर्वेद में दवाइयों का गुरु माना जाता है। शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि एक मामूली सा लौंग आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको केवल एक लौंग ठीक कर सकता है। इन बीमारियों के लिए आपको महंगे इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर ही फ्री में ठीक हो सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं उन बीमारियों के बारे में विस्तार से। आजकल सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। मौसम के लगातार बदलने से सबको खांसी की शिकायत हो जाती है। इसके लिए लोग महंगे से महंगे सिरप पीते हैं, मगर उनसे भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता। इसलिए आपको अगर खांसी को ठीक करना है तो मुंह में एक लौंग रखें और उसको चबाते रहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामूली सा लौंग आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। लौंग को मुंह में रखकर अधिक देर तक चूसने से मुंह से आ रही स्मेल यानी दुर्गंध से छुटकारा मिल जाता है और सांसें फ्रेश हो जाती हैं। लौंग के तेल की बूंदें एक साफ कपड़े में बांध कर रख लें। जब भी आपकी नाक बंद हो जाए या फिर जुकाम हो जाए तो इसको बार बार सूंघने से आपकी नाक ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को जलन यानी एसिडिटी की समस्या है, वह 100 ग्राम पानी में लौंग को पीसकर अच्छे से मिलाकर पी लें, इससे आपकी जलन ठीक हो जाएगी। अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, तो लौंग के तेल को उन जोड़ों पर लगाने से दर्द से निजात मिलती है। जिन लोगों को अधिक प्यास लगती है या ज्यादा मात्रा में पसीना आता है, वह गर्म पानी में लौंग को पीसकर मिला लें और पी लें, इससे आपका जी मिचलाना भी बंद हो जाएगा। हैजे जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने के लिए लौंग के तेल को बताशे में डालकर खा लें, बहुत जल्दी असर दिखने लगेगा। जिनको रतौंधी रोग है, वह बकरी के दूध में लौंग को मिलाकर आंखों के नीचे लगाना शुरू कर दें, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो फ्रेंड्स केवल एक लौंग खाने से होंगे ये 10 बीमारियां दूर, जानिए कैसे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।